हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए आ गया हूँ। अब आप लोग कहेंगे बार बार क्यों मेरे लिए वीडियो बना रहा है। तो आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सबसे अधिक मतलब दुखदाई है, मैं क्या कहूँ। तो आप लोग सोचते हैं कि मेरे यहाँ कोई वीडियो बनाता है, ऐसे और कोई सब्सक्राइबर नहीं है जैसे ये वो, तो आप सोचिए मत। पहले मेरी बात को आप लोग ध्यान सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, गुवाहाटी जोन वालों होश में आओ वरना रेलवे की नौकरी भूल जाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पिछले 20-25 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि आप लोग के पास एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग बार बार अपना प्लान बना रहे हैं, प्लान चेंज कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, प्लान चेंज कर रहे हैं। आप लोग एक भी प्लान को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दो चार हैं जो वाकई कैंडिडेट नहीं है हमारे ख्याल से, जो आपके प्लान को बार बार चेंज करा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ अपने ग्रुप से कुछ ऐसे को निकाल दें जो दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा, फिर उसके आगे कुछ हो सकता है। जैसे कि मैं उसके आगे क्या है, यह केस नहीं बहुत बड़ी साजिश है जिसमें सभी मिले हुए हैं, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह केस नहीं वाकई बहुत बड़ी साजिश है। मैं अभी सुबह ही यही बात बोला था, फिर यही बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो यही कहेगा बार बार कि नेक्स्ट शेयरिंग में केस ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप एच के दास को कॉल कर लें, चाहे कैट को कॉल कर लें, चाहे आरआरसी को कॉल कर लें, ठीक है। और आरआरसी का एक और बहाना हो सकता है कि पैनल तैयार है, ये वो फ़ोन से बचने के लिए, वो भी वो बोल सकता है, ठीक है। या मेडिकल मेमो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम रीज़न यही होता है। अदर बोर्ड में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मेडिकल मेमो अभी नहीं मिला है, तो ये भी रीज़न वो दे सकता है। तो आप लोग को ऐसा जवाब मिलेगा कॉल पे कि आप उसके बाद भी तुरंत विश्वास कर लेंगे और फिर कहेंगे कुछ दिन इंतज़ार कर लें। तो ये इंतज़ार इंतज़ार कहाँ तक आप लोग को ले जाएगा, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा मैं बताया ना, ये साजिश है, कोई केस नहीं है। साजिश इसलिए किया गया इसमें कि ये केस लोग बार बार करते हैं। जैसे कि सब कोई जानता है कि थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया नहीं है नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ के कैंडिडेट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा उन्हें सुविधा नहीं मिलती है कोचिंग्स वगैरह की, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उनके गार्जियंस चाहते हैं कि उनके भी बच्चे आगे बढ़ें, मेन रीज़न ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही कारण है कि SC ST एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो केस किया कैट में। तो इसमें क्या है, केवल वही नहीं है, कैट जो पूरा कोर्ट है वो, प्लस RRC चेयरमैन, वहाँ के जितने DRM उसके अंदर सब मिले हुए हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे जोन में, हमारे डिवीज़न में हमारे ही तरफ के कैंडिडेट्स रहें। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ज़्यादा जात धर्म मैटर नहीं करता है, जैसा कि यूपी बिहार वगैरह में होता है, लोग जात धर्म को ज़्यादा मैटर देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, आपको मेन उनका मैटर करता है लैंग्वेज। जो अदर जाते हैं वो, उनसे मजबूरी में उन्हें हिंदी में बात करना पड़ता है। तो मेन चीज़ लैंग्वेज और मेन चीज़ लोकेलिटी अपने स्टेट से लगाओ, जितना नॉर्थ ईस्ट वालों का है उतना किसी को नहीं है फ्रेंड्स। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे कोई भी नहीं चाह रहा है कि बाहरी लड़के आएँ, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे RRC चेयरमैन हो, चाहे कैट के जज हो, चाहे कैट का कोई भी ऑफिशियल हो, चाहे RRC का कोई ऑफिशियल हो, और चाहे NFR का कोई भी एसोसिएशन वगैरह हो। अब जैसे ये केस किया है SC ST का, जो है ये जोनल सेक्रेटरी हो क्या NFR का है, अगर आप हेडक्वार्टर बात करेंगे, मीन्स दिल्ली में बात करेंगे, जिसके प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं, BL वगैरह वगैरह, अगर आप उन लोग से बात करेंगे तो आपके फेवर में बात करेंगे। वो वहाँ कहीं में नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें केवल गुवाहाटी से मतलब नहीं है, उनके लिए पूरा इंडिया एक है। तो पूरे SC ST चेयरमैन को हम दोषी कभी नहीं ठहरा सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखें फ्रेंड्स। भले उसमें लिखता है कि इसमें SC ST चेयरमैन, लेकिन वो क्या है, वो केवल जोनल सेक्रेटरी गुवाहाटी का, यानी गुवाहाटी वाले ही केवल मिले हुए इसमें, गुवाहाटी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे RRC कैट या ये इनका एसोसिएशन वगैरह कुछ भी, लेकिन दिल्ली वाले इसमें ज़रा सा भी नहीं मिले हुए हैं। और ये ऐसी प्लानिंग है कि आप लोग इस केस से केवल परेशान हो, क्योंकि सब कोई जानता है ये केस तरन चरणदास कभी जीत नहीं सकता है। तो बस इसलिए किया जा रहा है कि इस केस को 2-3 साल लटका दिया जाए, तो ये फिर कैंडिडेट्स दोबारा कभी गुवाहाटी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेन रीज़न यही है, ये लोग चाहते हैं कि कोई बाहरी अप्लाई ना करे, यहाँ के लोकल लड़कों का सिलेक्शन हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई बार इस पर केस हो चुका है, बार बार इस पर केस होता है तो केस डिस्पोज हो जाता है। तो इस बार इन लोगों का ये प्लान है कि ये लोग समझ चुके हैं कि यूपी बिहार वाले हार नहीं मानने वाले हैं, बाहरी हार नहीं मानने वाले हैं, बार बार केस करेंगे, बार बार फिर भी अप्लाई करेंगे। तो इसलिए उनका ये नए तरीका अपना लिए हैं कि इस बार केस को हम ख़त्म होने ही नहीं देंगे। पहले क्या था, लोग पैसा लेके मान जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इस बार पैसे पे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो सब केस कर करके बार बार परेशान हो गए हैं, और कैंडिडेट्स फिर भी बाहरी अप्लाई करते हैं, और इस बार सबसे अधिक अप्लाई कर दिए हैं, तो ये और सब नाराज हो गए हैं बात यहाँ से। तो इसमें मतलब बता रहे, इतनी बड़ी साजिश है कि अगर आप लोग आज होश में नहीं आए तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें केवल तरनी चरणदास की गलती नहीं है, इसमें HK दास भी मिला हुआ है, जो वहाँ के चेयरमैन गुवाहाटी को भी मिले हुए हैं, कैट के जज वगैरह सब के सब मिले हुए हैं, कोई एक नहीं है। मतलब जितना उस लोकल के अधिकारी वगैरह आते हैं, सब उसी के साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना मैं आपसे बता दे रहा हूँ।
और मैं आपको बताया भी था कि आपके पास एक ही रास्ता है, वो है कटिहार का, वो राजधानी रोकना, बाकी कोई ट्रेन रोकेंगे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कटिहार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बीच में प्लेस पड़ता है, सबके लिए ईजी रहेगा पहुँचना, और बिहार के मैक्सिमम कैंडिडेट की संख्या आसानी से बन जाएगा। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो हम मैक्सिमम लोग नहीं पहुँच पाएंगे और वहाँ उतनी आसानी से अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा संख्या की ज़रूरत होगी, वहाँ पर आप ट्रेन आसानी से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस वगैरह हमेशा एक्टिव रहती है। मैं बार बार कहूँगा पुलिस को, सबसे आप लोग डरिए मत, पुलिस आपके ऊपर FIR वगैरह कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। बस यही है कि वो आपको खड़ा नहीं होने देगा अगर उसे मालूम हो जाता पहले से, तो इसीलिए मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग 23 तारीख का डेट ना रखें, उसके अलावा कोई भी रखें, क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग दूर से पहुँच जाते हैं कटिहार 23 तारीख को, फिर पता चलता है हमसे देखो पुलिस वहाँ खड़ी है पहले से, क्योंकि अगर ऐसा मैटर होता है पुलिस को पहले से मालूम होता है तो पहले से वहाँ खड़ी हो जाती है, और इसी 144 कहते हैं कि किसी को फिर वहाँ ग्रुप बनाने नहीं देती है पुलिस। आप लोगों के ऊपर कुछ केस वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग बार बार इस बात को ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई केस नहीं होता है क्योंकि आप लोग कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता है। लेकिन आपका जाना उस दिन क्या होगा, असफल हो सकता है, आप लोग सक्सेस ना हो पाए उस दिन, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आप लोग डेट चेंज कर दें, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग की, आप लोग यूनिटी नहीं है, आप लोग का रोज़ प्लान बनता है बिगड़ता है, क्योंकि कमेंट्स में कुछ लोग बताते हैं हमको कि ग्रुप में यूनिटी नहीं है और प्लान चेंज होता रहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है दिल्ली जाने के लिए, कोई कहता है गुवाहाटी जाने के लिए। तो फ्रेंड्स दिल्ली गुवाहाटी जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली में ट्रेन रोके आप कुछ पाएंगे भी नहीं क्योंकि दिल्ली सोर्स स्टेशन है, वहाँ आप ट्रेन रोकेंगे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितने यात्री होंगे दूसरे ट्रेन में वो चले जाएंगे और वहाँ आप रोक भी नहीं पाएंगे, ऐसे मैं बता चुका सब लोग पहुँच नहीं पाएंगे। ये कटिहार हर एक तरफ से बेस्ट है, मैं कोई भी आप रीज़न ले सकते हैं, कटिहार बेस्ट है और कुछ नहीं बेस्ट है कटिहार के अलावा, क्योंकि कटिहार आप जानते हैं कि यहाँ पर राजधानी भी रुकती है और ये बीच में बिल्कुल स्टेशन पड़ता है, ना इधर ना उधर, तो फिर यात्री बीच में फंस जाएंगे। और मैं सुबह ही बात बताया हूँ कि राजधानी VIP लोग रहते हैं, अगर वो लोग परेशान होंगे तो वो रेल मंत्री तक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जब रेल मंत्री परेशान होंगे तो सबको परेशान करेंगे, पहले तो यहाँ चेयरमैन से पूछेंगे तो चेयरमैन पूरा प्रॉब्लम बताएगा, तो कैट से भी कॉन्टेक्ट करेंगे जो भी उस मंत्रालय देखता है, मतलब कि न्याय विभाग वगैरह, तो वहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे वो, मतलब पूरा इंडियन गवर्नमेंट हिल जाएगा इस चीज़ से फ्रेंड, अगर आप कटिहार में ये काम करते हैं। और इसके अलावा आप कुछ भी कर लेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, ये केस ऐसा ही खिंचता जाएगा लंबा, और जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि लास्ट ईयरिंग है, बस ख़त्म होने वाला है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिछले जून महीने से यही कहा जा रहा है केस ख़त्म होने वाला, पर केस कभी ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अभी तो कैट बहाना कर रहा है कि जज छुट्टी पे है, पता नहीं इसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये नहीं मालूम है, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ सब लोग मिले हुए हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर मेरे बात पे विश्वास ना हो तो आप लोग कॉल करके देख सकते हैं एक्सके दास वगैरह को, तो फिर यही जवाब देंगे कि ये बस लास्ट हियरिंग है, केस ख़त्म होने वाला है और आपका अगस्त में केस ख़त्म हो जाएगा, ये वो फिर वही बोले, जैसे मैं सुबह भी बात बोला था आप लोग से और फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि उन लोगों का रिप्लाई हमेशा सेम रहेगा कि लास्ट हियरिंग है। ऐसा करते करते 2020 आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि कोर्स में भी छुट्टियाँ होती हैं, अब अक्टूबर में मैक्सिमम त्यौहार हैं, और प्लस इसमें क्या होता है छुट्टी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें ऑटम वैकेशन होता है, स्प्रिंग वैकेशन होता है, अदर कोर्ट में क्या होता है कि विंटर वैकेशन, समर वैकेशन होता है, इसमें ऑटम वैकेशन भी है जो अक्टूबर में है, तो पूरा अक्टूबर महीना लगभग एक भी दिन उसमें खाली ही नहीं है, ये ऑटम वैकेशन ले ले रहा है, फिर उसमें फेस्टिवल्स ले ले रहा है, फिर नवंबर में केवल डेट मिल सकता है, फिर दिसंबर भी क्या विंटर वैकेशन है, फिर उसमें फेस्टिवल्स ज़्यादा हैं, तो आपका जो टाइम है यही 10-12 दिन का है, मीन्स अगस्त में, अगर आप अगस्त में कुछ करते हैं तो अगस्त में हियरिंग फास्ट होगी और आपके लिए जज की भी व्यवस्था की जाएगी दिल्ली से, क्योंकि अगर पूरा गवर्नमेंट जब इसमें आ जाएगा शामिल हो जाएगा तो ज़रूर कुछ होगा, वैसे आप लोग कुछ भी करते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। प्लेस आप लोग कटिहार ही बेस्ट है, डेट बस आप लोग से कहेंगे कि 23 ना रख के कोई भी आप लोग चूज़ कर लें, क्योंकि मैं बता दूं जो आपके ही ग्रुप में कुछ छिपे हुए हैं वो क्या करेंगे, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो भी वो किसी नेता को बुला देंगे, और ऑलरेडी 2-3 नेता वहाँ जाने रहे आप लोग प्लेस को कुछ करने वाले हैं, तो फिर अगर वो शामिल हो गए आपके प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर वो कहेंगे कि हम धरने बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो धरने बैठने से ये गांधीवादी विचारधारा से काम नहीं चलने वाला है, आप लोग कुछ अच्छा करना हो कुछ बड़ा करना होगा, जो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे बात पर कभी विश्वास करते नहीं हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बस सजेस्ट ही कर सकता हूँ, कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, कुछ लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, वीडियो करें मुझे इफेक्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, और बहुत पहले से लोग कोशिश करें कि बाहरी अप्लाई ना करें, लेकिन इस बार वो सब परेशान हो गए एकदम, इसलिए अब इस बार ये सोच लिए हैं कि अब कोई कुछ भी कर ले हम केस वापस नहीं लेने वाले हैं, और केस तो जीतेंगे नहीं कभी, आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है, तो यही कारण है केस को केवल लंबा खींचेंगे, क्योंकि अगर कैट ऑर्डर दे देता है उनके पक्ष में तो फिर कैट भी फंस सकता है इसमें, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो कैट इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, कैट केवल इतनी ही गलती कर सकता है कि वो केस को केवल लंबा खींच सकता है,
वो उनके पक्ष में कभी ऑर्डर नहीं दे सकता है। जब भी ऑर्डर आएगा आप ही के पक्ष में आएगा, लेकिन लेट होगा। और ये लेट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग दोबारा कभी उस जोन से अप्लाई न करें, बस यही मेन चीज़ है। अब इसमें कौन फंस जा रहा है, वहाँ के जो बेचारे लोकल लड़के हैं जो उस जोन से अप्लाई कर दिए हैं, इसमें वो भी बदनाम होते हैं। आप लोग उन्हें भी गाली देने लगते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे जोन वाला ऐसा कर रहे हैं, ये वो रिजेक्शन के लिए कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें उनकी क्या गलती है, वो अप्लाई किए अगर सेलेक्ट हो गए हैं तो वो भी आपके साथ परेशान हो रहे हैं। जैसे आपका लेट हो रहा है उनका भी लेट हो रहा है, तो आप उन्हें ना ब्लेम करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें जो गलती है ऑफिसर्स की गलती है, ना कि कैंडिडेट्स की गलती है। कैंडिडेट्स डायरेक्टली कोई केस करने नहीं गया है, ये पूरा रेलवे मिला हुआ है उतने दूर का, जो गुवाहाटी का है वो है, और जितना उसमें आते ऑफिसर सब मिले हुए हैं। इसमें कैंडिडेट्स कोई गलती नहीं है, तो कैंडिडेट्स जैसे आप वैसे वो भी है, पूरा इंडिया एक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को आप लोग न बदनाम करें, कैंडिडेट्स को कुछ बुरा भला न कहें, वो सही आपके साथ है बिल्कुल। क्योंकि जितना आप परेशान हो उतना वो भी परेशान है, जितना लेट होगा उतना उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं केस वो कभी जीत नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे कैंडिडेट्स कोई गलती नहीं होगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कटिहार का ही प्लान करें और केवल राजधानी का ही, ठीक है फ्रेंड्स, और कोई नहीं। तो आप लोग 23 के पहले 23 का बाद कोई डेट रख सकते हैं। मैं बता दूं 20 तारीख को भी कोई हियरिंग वगैरह होने वाला नहीं है, उससे न्यू डेट मिलेगा, और शायद सितंबर में मिले, नेक्स्ट डेट जब भी मिले, मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूं। और फिर सितंबर के बाद कोई हियरिंग भी नहीं होने वाली है, फिर नवंबर में ही होगी। तो आप लोग के हाथ में केवल यही लास्ट चांस है फ्रेंड्स, अगर ज़रा सा विश्वास तो आप कर सकते हैं। तो आप लोग डेट रख सकते हैं सोच के कि कौन सा डेट सही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स डेट आपके अकॉर्डिंग 26 शायद मंडे पड़ रहा है, तो 26 आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे का लोग आसानी से निकल लेंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और मंडे को क्या होता है, काफ़ी मतलब अधिकारी लोग ट्रेन वगैरह जर्नी करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत अच्छा चांस होगा 26 तारीख, बस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग पोलिंग करा सकते हैं आपस में, मैं भी एक पोल अभी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, आप लोग उस पोलिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं कि कौन सा डेट ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन 23 को तो न करें फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा। मैं पोलिंग में 23 का भी ऑप्शन डाल दे रहा हूँ कि शायद कुछ लोग का मन हो जाने का, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि ये प्लान सक्सेस ना हो, वो चाहेंगे 23 को ही जाएँ और नेता फिर आए के बीच में घुस जाएँ और फिर हमारा प्लान सक्सेस ना होने। तो कुछ लोग ग्रुप में ऐसे हैं वैसे चाहेंगे, तो इसलिए मैं 23 का भी ऑप्शन डालूंगा। देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो 23 को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना। थैंक यू।